पंजाब के सेक्टर 51 में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना पर लिखी किताब का विमोचन किया। किताब आपको बता दें कि उपकुलपति मार्कंडे आहूजा ने लिखी है। पूरे विश्व भर को कोरोना के अदृश्य दुश्मन ने जिस तरह से अपने आगोश में लिया हुआ था, उसी बीच कोरोना में किस किस तरह से परेशानियों का दौर रहा और कैसे लोगों ने इसका सामना किया, इन सभी बातों पर आधारित जीतेंगे कोरोना रण किताब का विमोचन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। किताब के विमोचन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि एक ऐसा दौर था जिसमें हर व्यक्ति ने अपनी ताकत और एकता के साथ इस बीमारी का सामना किया और सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए गए, जिससे अब इस कोरोना महामारी से बचाव के तमाम ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे भारत में और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया है, जो कि इतिहास बन गया है। कोरोना काल के दौरान जब हम लोग घर में थे, अकेलापन सताता था, तब उस अकेलेपन को एकांत बनाकर अपने अंदर के भावों को व्यक्त किया कोरोना काल में। उस समय में चाहे लोगों की वेदना हो, लोगों की करुणाई हो, चाहे उस समय भारत की आत्मनिर्भरता की बात हो, क्योंकि उस समय शुरुआत में ना तो हमारे पास N95 मास्क थे, ना PPE किट थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, लोग दर दर पर भटक रहे थे, शवों को जलने के लिए स्थान नहीं था। ऐसे समय में जो जो कुछ होता रहा उस सब को अपने हृदय से व्यक्त करने का काम इस पुस्तक के माध्यम से किया। जीतेंगे कोरोना किताब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति मार्कंडे आहूजा ने, उनकी पत्नी अंजू आहूजा ने लिखी। उनका कहना है कि जिस दौरान कोरोना काल में लोग अपने घरों के अंदर थे, उसी बीच किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, इन सभी विचारों के साथ इस किताब को लिखा गया है और अब किस तरह से इस महामारी के युद्ध में भारत आगे बढ़ रहा है और लोग इसे दृश्य दुश्मन भी जीत कर हासिल कर रहे हैं, इन सभी बातों को इस किताब के मार्फत दर्शाया गया है, जो लोगों को एक विश्वास और एकता के बल को प्रेरित करती है। और अंत में आशावाद के साथ कि पुस्तक भगवान को पुकार करती है कि भगवान, इतना सब कुछ हो चुका, अब आपके अवतार लेने में कितनी देरी है, संभवामी युगे युगे आप कहते हैं, अब कितनी देरी आप लगाएंगे। ऐसे ही रिश्तों को बीच झूलती है पुस्तक के, रिश्तों की डोर में मांझा लगाते हैं, ऐसा करके जहाँ जहाँ जैसा जैसा, जैसे मान लो मैं चाइना बॉर्डर पर आखिरी गांव में गया, उसमें एक भी केस नहीं था, तो उस बात पर भी कविता लिखी कि इन लोगों ने कैसे कोरोना से अपनी रखवाल की है। जैसे यार दोस्त दूर चले गए, उनके ऊपर किताब लिखी, पुस्तक लिखी, के कविता लिखी कि भी क्या हाल पूछ कर सिर्फ फ़ोन रख देते हैं, मिलना जुलना बंद हो चुका था। जैसे पहले मेरे को कोरोना हुआ, मेरी पत्नी को बाद में हुआ, तो हमने दोनों ने शीशे के सामने बैठकर खाना खाया, बीच में शीशा था, परंतु अगले दिन उन्हें भी हो गया, तो फिर इस बात पर भी पुस्तक लिखी। डॉक्टर्स की पिटाई हुई, डॉक्टर्स के बारे में 100 बातें कही गई, उनके ऊपर भी लिखा। डॉक्टर्स डे विशेष आया तो डॉक्टर्स डे की बात की, मदर्स डे बीच में कोरोना काल में आया तो मदर की बात की। ऐसे अनेक रंग लिए ये पुस्तक अपने आप में समाहित है और इस पुस्तक का टाइटल है जीतेंगे कोरोना का रन। और मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकालकर इस पुस्तक का विमोचन किया और डॉक्टर KK खंडेलवाल ने इस पुस्तक की समीक्षा की, और मुझे लगता है कि उन्होंने समीक्षा में जो जो बातें कही वो शायद पुस्तक की खूबसूरती में और चार चांद लगाते हैं। सेक्टर 51 यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित किताब का विमोचन किया गया और मार्कंडे आहूजा और अंजू आहूजा, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनका कहना है कि इससे न केवल लोगों में जागरूकता आएगी, बल्कि किस तरह से एक जीवन शैली को आगे बढ़ाया जा सकता है और सकारात्मक विचारों के साथ किसी भी महामारी या बीमारी को मात दी जा सकती है। इस किताब के शब्दों में ये सब बताने की कोशिश की गई है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।